खेती किसानी के समय में मानसून भी रूठा हुआ है, नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, नलकूप भी दगा दे गए हैं। अब तक हुई बरसात किसानों के लिए अनुपयोगी साबित हुई है। अब जब खेतों में पानी की दरकार है तो मानसून ही रूठ गया है। तकनीकी खराबी के कारण नलकूप भी ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर काम कर रही है, लेकिन डीजल पेट्रोल की महंगाई चरम सीमा पर है। मौसम की मार तो कभी जिम्मेदारों की उदासीनता किसानों के अरमानों पर पानी फेर रही है। जमनाहा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में लगे 36 नलकूप विभिन्न कारणों से महीनों से ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में किसान पंपिंग सेट के जरिए धान की फसल को पानी देने को मजबूर है। आपको बता दें कि बीते महीने 13 जून से लगभग एक सप्ताह तक जिले में भारी बारिश हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि इस बार किसानों को धान की फसल के लिए भरपूर पानी मिल जाएगा, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। कई दिन से लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब खेतों में लगी धान की फसल भी पानी के अभाव में मुरझाने लगी है। किसान गाढ़ी मेहनत को बचाने के लिए महंगे दाम में डीजल खरीद कर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से किसान की आय दोगुनी कैसे हो सकती है। समय है, डीजल महंगा है, मजूर भी लगाओ, अंजन भी तेल खात है, ट्रैक्टर भी खात है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है किसान के लिए, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। अगर गवर्नमेंट का बोलते कुछ अगर सस्ता करे तो किसान का राहत मिले। अगर कृपया हमारे YouTube न्यूज़ चैनल श्रावस्ती तक को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।